सी गाइस क्या होगा, सीएचडब्ल्यू पीछे भी एक्सेल के अकेले प्लेयर बचे, उसको कहने के पहले फिनिश करना चाहेंगे वहां पे सावन, और फिनिश करते हुए जीवाईटी को एक किल मिला है। फाइट यहां पे रहेगी, अब यहां पे फाइट 3v4, जी हां 3v4 फाइट। लॉन्चर है स्पाइक के पास, जैसे ही उनको बिल्कुल लोकेशन का एग्जैक्ट पता चलता है कि यहां पे जीवाईटी के प्लेयर, ओके सावन को भी, सावन ने भी यहां पे शॉट दिया है। चलिए सीएचडब्ल्यू चार्ज इन यहां पे करते हुए, क्या सीएचडब्ल्यू का भुया होने वाला है फिफ्थ गेम में। मैन एडवांटेज है, ट्रोगोन यूज किया जा रहा है यहां पे, फरूक के पास चार्ज बस्टर है, रावत आए हैं और रावत नॉक करते हुए, रावत का ये एग्रेसिव अप्रोच काफी अच्छा लगा है यहां पे। फाइट अब यहां पे 3v3, ओके सीएचडब्ल्यू के स्पाइक और संच ने सेक्सा को नॉक कर दिया, ओके संच भी वहां पे नॉक हुए। सावन स्नाइपर प्लेयर पीछे है जरूर, क्या सेक्सा को रिवाइव देंगे वो, सावन कमाल करते हुए, अरे रावत भी यहां पे नॉक, अब फिर से फाइट यहां पे चेंज हो चुकी है। जीवाईटी से अकेले प्लेयर शर्मा बचे हैं, 1v3 और फिनिश यहां पे सीएसडब्ल्यू का ये बुइया। चलिए सीएसडब्ल्यू छह फिनिश यहां पे, ओके सीएसडब्ल्यू एनएक्सटी को क्या यहां पे डैमेज देंगे, जी हां क्या प्ले नॉक कर पाएंगे। डेडली ने वहां पे जोकर को वहां पे नॉक किया, जी हां बड़ा आलसी शक्ति और NG1 तूफान वहां पे, जी हां जोन में ही एलिमिनेट हो गया, पांच टीम में 14 प्लेयर वहां पे है, ऐसे है पीछे बट प्लेयर काफी ज्यादा डैमेज है और जोन से भी निकलना है। कार्लोक्स ने वहां पे डोप को नॉक किया, हियर वी गो सीएसडब्ल्यू, कार्लोक्स वहां पे डोप को फिनिश करते हुए और पीछे कहीं ना कहीं बीएक्सएल के स्क्वाड भी है। ये फाइट मेरे को लग रहा है 2v गेमर इजीली भुया निकाल सकती है और सीएसडब्ल्यू भी, मेरे को लग रहा था कि बीएक्सएल पीछे है तो सीएसडब्ल्यू के लिए मुश्किल होगी, बट बीएक्सएल के दो ही प्लेयर हैं और दो ही प्लेयर अभी भी यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। डेडली बॉल यहां पे लगाई है, अब कमरान के लिए मुश्किल हो सकती है, पीछे से भी शॉट पड़ रहे हैं, ओके प्लेयर कमरान बिल्कुल ओपन में आए हैं और दोनों तरफ से एक एक प्लेयर नॉक, बीएक्सएल यहां पे एलिमिनेट और सीएसडब्ल्यू अब तीन प्लेयर के साथ, रिवाइव तो नहीं दे पाएंगे स्पाइक। और ए भाई क्या ऊपर ऊपर चढ़ के वो लगाई थी, बट यहां पे 2v गेमर काबू आता और ये भाई वर्ल्ड ऑफ बैटल सीधा सीएसडब्ल्यू पे एंट्री की वर्ल्ड ऑफ बैटल ने, ये भी देखने वाली बात रहेगी। जी हाँ सीधा जो प्लेयर ने एंट्री मारी है, कौन से प्लेयर है वो, इनसेन है, इनसेन सीधा घर पे और क्या परफेक्ट यहाँ पे लैंडिंग भाई, मतलब पूरे मैप पे एक घास पड़ रखी है ऐसा लग रहा है वर्ल्ड बैटल ने यहाँ पे कि वहां से, बट डब्ल्यू भी दो प्लेयर नॉक, एक प्लेयर को तो हाले ने नॉक किया, इग्नाइट भी यहाँ पे नॉक, सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वर्ल्ड बैटल के लिए भी दो प्लेयर को AMF यहाँ पे फिनिश करते और बाकी प्लेयर को वहां पे CSW की स्क्वाड वहां पे एलिमिनेट करते हुए। CSW आगे बढ़ रही है बट CSW के पीछे बादल अकेले प्लेयर है, कल के पास में देखूंगा क्या रिवाइव दे पाए हैं वो या फिर नहीं। जी हां रिवाइव नहीं दे पाए, चारों प्लेयर से फाइट करनी है, टोकन भी उनके पास नहीं है, एनजी कहीं के इस गेम में, जी हां 8 पोजीशन या फिर उसके अराउंड यहां पे एलिमिनेट हो सकती है। CSW एंट्री कर रही है, डेडली पीछे है बट AMF भी यहां पे 8 पोजीशन पे यहां पे एलिमिनेट हुई है। चलिए बादल निकल कर रहे हैं बट अब कहने के डेडली के सामने ओपन में आया है बिल्कुल, चिया और NG1 यहां पे एलिमिनेट हो जाएगी और CSW के एक प्लेयर को गोंच ने वहां पे नॉक किया है। सेक्सा ओके स्पीड को नॉक करते हुए, सेक्सा वहां पे स्पीड को नॉक करते हुए, अब देखेंगे वरु को, CSW के वरु को नॉक कर दिया और डेडली भी वहां पे नॉक और CSW को एलिमिनेट करते हुए यहां पे XT हो रहा है, ओके CSW भी एंट्री कर रही है, ठीक है प्लेयर्स रिवाइव होके आ रहे हैं और मेरे को लग रहा है मुश्किलें यहां पे रहेंगी इनको देखने के लिए। ओके तूफान और यहां पे सावन M82B से वहां पे नॉक करते हुए, जी आप कहीं ना कहीं नोटा यहां पे फाइट जरूर कर रहे हैं CSW के स्पाइक से, नोटा उनको फिनिश यहां पे जरूर करेंगे बट नोटा भी नॉक हो चुके हैं, जी हां नोटा भी वहां पे नॉक हो चुके हैं। NG1 कहने के इस गेम में भी उतना अच्छा यहां पे नहीं कर पा रही है, स्पाइक को आई थिंक यहां पे रिवाइव मिल जाएगा, CSW तीन फिनिश यहां पे निकाल चुके, स्पाइक वहां पे नोटा को नॉक करते हुए और वहां पे गुल्लू भाई फिनिश स्मूथ ने स्पाइक को, डेडली ने NG1 वर्सेस CSW। चलिए देखेंगे दोनों ही टीम से प्लेयर यहां पे नॉक है जरूर, NG से प्लेयर रिवाइव हो चुके हैं बट पीछे CSW के वरु वहां पे है, जी हां कहीं के CSW के वरु इलेक्ट्रिक, CSW के वरु डैमेज है वहां पे, तूफान और CSW को एलिमिनेट करती हुई NG और NGBD से भी अकेले प्लेयर बचे और उनकी एक 1v2 फाइट यहां पे हो सकती है। निंजा जी निंजा के लिए 1v2 फाइट है बट TSG गाइस शुरुआत बहुत कमाल,
और मेरे को लग रहा है इस बार ये कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या टॉप करेंगे या सेमीफाइनल में, क्योंकि पिछली बार तुमने देखा एक दिन ज्वाइन नहीं कर पाए थे, वरु को नॉक किया है निंजा, वरु को कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉक करते हुए, और बट नहीं एनजी बीडी को एलिमिनेट, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी फाइट थी यहाँ पे CSW के लिए, पे CSW टीम रॉयल के प्लेयर्स को नॉक करते हुए, और आई थिंक टीम रॉयल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी, और टीम रॉयल भी 8 पोजीशन पे वहां पे एलिमिनेट होते हुए, 60 में 21 प्लेयर CSW 6 फिनिश निकाल चुके, और ये फाइट भाई कमाल, पर स्पाइक नॉक हुए, वरु अकेले प्लेयर बचे हैं CSW में, क्या वरु यहां से निकल पाएंगे CSW के लिए, अर्ली एलिमिनेशन इस गेम में हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, यभी को वरु, अरे कमाल जी हां वरु यहां पे नॉक और फिनिश यहां पे करेंगे, क्या ठीक है गाइस क्या होगा CSW पीछे भी एक्सेल के अकेले प्लेयर बचे हैं, उसको कहने के पहले फिनिश करना चाहेंगे वहां पे सावन, और फिनिश करते हुए GYT को एक किल मिला है, फाइट यहां पे रहेगी, अब यहां पे फाइट 3v4, जी हां 3v4 फाइट, लॉन्चर है स्पाइक के पास, जैसे ही उनको बिल्कुल लोकेशन का एग्जैक्ट पता चलता है कि यहां पे GYT के प्लेयर, ओके सावन को भी, सावन ने भी यहां पे शॉट दिया है, चलिए CSW चार्ज इन यहां पे करते हुए, क्या CSW का भुया होने वाला है फिफ्थ गेम में, मैन एडवांटेज है, ट्रोगोन यूज किया जा रहा है यहां पे, वरु के पास चार्ज बस्टर है, रावत आए हैं, और रावत नॉक करते हुए, रावत का ये एग्रेसिव अप्रोच काफी अच्छा लगा है यहां पे, फाइट अब यहां पे 3v3, ओके CSW के स्पाइक, और संच ने सेक्सा को नॉक कर दिया, ओके संच भी वहां पे नॉक हुए, सावन स्नाइपर प्लेयर पीछे है जरूर, क्या सेक्सा को रिवाइव देंगे वो, सावन कमाल करते हुए, अरे रावत भी यहां पे नॉक, अब फिर से फाइट यहां पे चेंज हो चुकी है, GYT से अकेले प्लेयर शर्मा बचे हैं 1v3 1v3 और फिनिश यहां पे CSW का ये बोया आता हुआ, जी हां लिटरली कमाल यहां पे खेलती भी CSW और गए।